हमारी छोरी छोरों से कम है के तो ये एग्जांपल आप सेट कर रही हैं। कोशिश यही है, उसमें मैंने स्क्वाट मारा था 110 एंड बेंच प्रेस 50 एंड डेडलिफ्ट 110 kg। यस 110 kg। आपका वजन कितना है? लड़कियों से वजन नहीं पूछा जाता। ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और मैंने बेस्ट करा, जो भी मतलब स्टार्टिंग था तो मैंने बेस्ट करा और आज मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि जिनका माइंडसेट नहीं होता, ये क्या कर रही हो तुम, क्या लोहा उठा रही हो लड़की हो करके, लड़के जैसे बॉडी हो जाएंगे। मुझे मेंटली अगर स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने लास्ट स्क्वाट में 110 किया और बेंच प्रेस में 55 ट्राई किया लेकिन वो हुआ नहीं, तो 50 मैंने करा बेंच प्रेस में और डेडलिफ्ट में 117.5 kg। घर वाले क्या बोलते हैं, मतलब आप जब पावर लिफ्टिंग शुरू किए? पता नहीं है अभी, अभी तक पता नहीं है, अभी तक घर वाले को पता नहीं है, लेकिन शायद अभी फ़ोन करके बताऊंगी तो वो लोग बहुत खुश होंगे। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसका अगर डर से आप अभी सोच के मर जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो लोग कन्विंस हो या ना हो, मेरा जहाँ मन करेगा, जहाँ मेरे को बेस्ट देना है मैं दूँ। मैंने घर पर नहीं बोला था कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या संडे को मैं वेट लिफ्टिंग में आई हूँ, तो मैं बोलूँगी, उन्हें कन्विंस करूँगी कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है या कैपेबिलिटीज़ है। तो ये तो पता नहीं कि वो लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं। लोगों को पता रहता है कि नहीं, इसमें एक होता है ना कि सेटअप नहीं है, स्ट्रगल है लेकिन इसमें सेटअप नहीं है, इसलिए बहुत लोग नहीं चाहता है। आगे चल के रांची को, झारखंड को आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगी, मतलब नेशनल हो? एकदम, मैं यहाँ से पली बड़ी हूँ, सब कुछ यहीं हुई है, तो ऑब्वियस है अगर कल कुछ भी होता है तो सबसे पहले झारखंड मेरे लिए प्रायोरिटी हो। इस वक्त हम रांची के कांके डैम में है और यहाँ पर पावर लिफ्टिंग जो कॉम्पिटिशन आयोजन कराया गया था, हमारे पीछे एक पोस्टर लगा, आप देख सकते हैं इस पर लिखा है रांची डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग। और हमारे साथ जो है वो भी दिलचस्प है, दरअसल एक परसेप्शन है कि पावर लिफ्टिंग हो चाहे इस तरह के जो भी खेल हो उसमें अक्सर आपको जो है मेल या फिर कहें पुरुषों का की जो भागीदारी है वो देखने को मिलती है, लेकिन रांची में भी अब जो है ये जो मिथक है वो टूट रहा है। हमारे साथ अंजलि सिंह है जो कि कोकर की रहने वाली है और पावर लिफ्टिंग में जो है इनकी दिलचस्पी है। तो भैया दिलचस्पी कहाँ से आई है, कैसे आई है और पावर लिफ्टिंग का शौक इनको कहाँ से आया है, पूरी बात हम बताएंगे आपको। और देखिए रांची में जो है ना हुनर की कमी नहीं है, रांची में टैलेंट की कमी नहीं है, रांची की बेटी हो या बेटा हो सब अलग अलग फील्ड में जो है अपना झंडा गाड़ रहा है। आप देख लीजिए हॉकी में अभी हमारी 3-4 प्लेयर है जो अच्छा कर रही है, लेकिन पावर लिफ्टिंग ये थोड़ा सा दिलचस्प है। दिलचस्प कैसे है वो अंजलि बताएंगी। अंजलि सबसे पहले तो ये कि आपको अभी क्या मिला वो उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे, पहले तो ये कि पावर लिफ्टिंग का जो ये कीड़ा है वो कैसे है आपके अंदर? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ इस बारे में आइडिया नहीं थी, मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा, एक्चुअली स्टार्टिंग में यहाँ पढ़ाई के लिए आई थी तो मेरी वेट थोड़ी गेन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जिम जाती हूँ थोड़ी सी वेट लूज़ करती हूँ। तो जिम में स्टार्ट किया तो फिर स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि क्या कैसे करना है, लेकिन जिम में जा के पता चला खुद का स्टैमिना कैपेबिलिटी। तो मेरे जो ट्रेनर थे, मेरे जो जिम ओनर थे, वो मेरी कैपेबिलिटी देखे तो वो लोग ने कहा कि तुम ट्राई करो, स्टार्ट करो तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है इसमें भी। तो ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और मैंने बेस्ट करा, जो भी मतलब स्टार्टिंग था तो मैंने बेस्ट करा और आज मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। क्या आपने किया वो पूरी बात बताइए, यहाँ पर क्या हुआ और हाँ, आपने कितना पावर उठाया, कितना वेट आपने उठाया, वो सब बताइए। मैंने स्टार्टिंग में तो सुबह से मैं आई हुई थी, मुझे आइडिया नहीं थी कि सुबह मुझे आ करके इतने शाम में मुझे करना पड़ेगा ये सब, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, होप नहीं खोआ। मेरे जितने भी दोस्त लोग थे मुझे इन्फ्लुएंस किए कि नहीं तुम कर सकती हो। सुबह से मैं आके बैठी हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि पता नहीं मेरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिर मैंने होप नहीं खोया और अभी मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच तीनों में मैंने अपना बेस्ट दिया और ये सारे को मिला करके जितने भी हुए उसमें फर्स्ट प्राइज़ मैंने किया। आपने 3 कॉम्पिटिशन खेला, कितना कितना वेट आपने उठाया? एक्चुअली स्टार्ट ये तो 3 टाइम के हैं ना, तो मैंने लास्ट स्क्वाट में 110 किया और बेंच प्रेस में 55 ट्राई किया लेकिन वो हुआ नहीं, तो 50 मैंने करा बेंच प्रेस में और डेडलिफ्ट में 117.5 kg। मैक्सिमम वेट आपने 110 kg का उठाया, वो क्या था? PR तो मेरी थी मतलब ज़्यादा, लेकिन एक्चुअली मुझे यहाँ पता नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं किया, लेकिन बहुत सारे एक्चुअली ऑडियंस इतने सारे लोग थे और मुझे इतने इन्फ्लुएंस किए, तो 17.5 बेंच में ये स्क्वाट में
डेडलिफ्ट में स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये जो मिथक है कि हाँ। जो महिला होती है या फिर जो फीमेल है वो नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, कच्ची कली भी कहते हैं, लेकिन आपने आपने आज 110 किलो उठाया है, तो इससे क्या मैसेज जो है उन लोगों में जाएगा, उन महिलाओं में क्या मैसेज गया, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा कहना है कि जितनी भी लेडीज हो जो मैरिड भी हो या जिनके बच्चे हो, मेरे को मेरा सोचना है कि वो लोग होप ना खो, अगर इस फील्ड में उनका कैपेबिलिटीज है तो वो शादीशुदा हो या अनमैरिड हो या उनके बच्चे हो, इस फील्ड में अगर उनको आना है तो वो किसी एज में भी आ सकते हैं। और इसमें अगर आप स्ट्रांग हो हर चीज़ में, मेंटली अगर स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। घर वाले क्या बोलते हैं, मतलब आप जब पावर लिफ्टिंग शुरू किए? पता नहीं है अभी, अभी तक पता नहीं है, अभी तक घर वाले को पता नहीं है, लेकिन शायद अभी फ़ोन करके बताऊंगी तो वो लोग बहुत खुश होंगे। पक्का खुश होंगे? वो लोग जानते हैं कि मैं जिम जाती हूँ, लेकिन वो लोग को पता नहीं था कि मैं वेट लिफ्टिंग में आई हूँ। सुबह से कुछ भी झूठ करके बाहर हूँ, संडे को घूम रही हूँ, लेकिन ये पता नहीं था कि वेट लिफ्ट। क्या वजह रही कि मतलब ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी आपको बताने? एक्चुअली स्टार्टिंग में जो फैमिलीज होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी फैमिली, उनके माइंड सेट होते हैं कि बेटी है तो उनको पढ़ना चाहिए, या बहुत ज़्यादा हाई क्लास होते हैं तो उनको जॉब लेना चाहिए। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होता कि आप ये करना है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि जिनका माइंडसेट नहीं होता, ये क्या कर रही हो तुम, क्या लोहा उठा रही हो लड़की हो करके, लड़के जैसे बॉडी हो जाएंगे, मुझे अभी भी मिलते कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अगर इस पॉइंट में, इस सेट में अगर आगे जाया जाए तो इसमें भी फील्ड में है, पॉजिटिविटी है। क्या लगा आप कैसे मोटिवेट हुई कि आपको पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट है आपका? हाँ, तो आप ये सोच कहाँ से आया आपके अंदर? मैंने तो बताया अभी कि मैं जिम जा रही थी तो मुझे पता नहीं था। आपने कहीं देखा इससे पहले कोई वीडियोस वगैरह? जिससे कहीं भी नहीं, मैं अभी भी ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अपना एक होता ना माइंड सेट, मुझे पता है कि मेरा स्ट्रगल, मेरा कैपेबिलिटीज मेरे पास है, तो बस अभी वही चल रहा है। आप प्रोफेशनली इसे आगे ले जाना चाहेंगे या फिर क्या? हाँ, मैं अभी ही बात कर रही थी कि स्टेट के लिए कैसे। मम्मी पापा इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो खुश होंगे शायद। उनका रिएक्शन क्या होगा? उनका रिएक्शन शुरू में अगर टीवी पर देखा, हाँ ये पहले तो उनको पता नहीं है कि आप पावर लिफ्टिंग के लिए आई हैं, और दूसरी बात है कि आप उसी चीज़ के लिए इंटरव्यू दे रही हैं। हाँ। तो उनके लिए देखिए, बहुत सारे जो फैमिलीज होते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली, वो लोग ना ये सब को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, कि लोगों को पता रहता है कि नहीं इसमें एक होता है ना कि सेटअप नहीं है, स्ट्रगल है लेकिन इसमें सेटअप नहीं है, इसलिए बहुत लोग नहीं चाहता है। लेकिन शायद अभी ये फर्स्ट प्राइज देख करके या यहाँ पर टीवी पर देख करके पापा अगर माँ देखेंगे तो शायद खुश होंगे वो लोग। अच्छा, आप एजुकेशन की अगर बात करें तो आप क्या कर रही हैं या फिर अभी तक क्या कर चुकी हैं? अभी मैं ग्रेजुएशन भी कर चुकी हूँ और एमबीए भी कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ एमबीए भी किया मैंने, हजारीबाग से किया एमबीए, लेकिन मेरे को प्राइवेट जॉब में ना बहुत ज़्यादा वाइब नहीं लगा, इसलिए मैं जॉब नहीं करना चाहिए। मैं सोची कि खुद से एक अपना सेटअप होना चाहिए, या तो बिजनेस या तो जिम, तो अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा जिम है, उसके बाद आगे कुछ होगा। मतलब यहाँ से घर जाएंगे? हाँ, और घर में जाके आप मम्मी पापा को बताएंगे? हाँ, कि मैंने पावर लिफ्टिंग किया और जो है फर्स्ट प्राइज मुझे मिला, या फिर पहला स्थान आपने लाया? हाँ, यही होगा। अभी तो जाके यही बोलेंगे कि मेरे को अच्छा लग रहा है इसमें। आप उनको बोलेंगे कि भैया हमको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, पढ़ाई जो जॉब वगैरह नहीं होगा? अभी एक्चुअली मेरी ये फर्स्ट टाइम है, टोटली फर्स्ट टाइम है, तो मुझे पता नहीं था ना कि एक होता है ना, आप जब तक पानी में जाओगे नहीं आपको गहराई पता नहीं चलेगा कि वो कितना गहरा है। तो आज फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, मेरे को मालूम नहीं था कि शायद मेरे में कैपेबिलिटीज़ है, तो आज पता चला कि है। तो क्योंकि जितने भी लोग थे यहाँ पे, वो लोग सारे मेरे को बहुत मोटिवेट कर रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इसमें आगे अगर हम अपना बेस्ट दें तो कुछ हो सकता है। आप आगे चल के रांची को, झारखंड को आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगी, मतलब नेशनल हो? एकदम, मैं यहाँ से पली बड़ी हूँ, सब कुछ यहीं हुई है, तो ऑब्वियस है अगर कल कुछ भी होता है तो सबसे पहले झारखंड मेरे लिए प्रायोरिटी होगा। दंगल आपने देखा है? हाँ एकदम देखा है। दंगल वाली जो दो लड़की, वो स्ट्रगल एकदम याद है, वो स्ट्रगल याद है। वो आपको भी कुछ वैसा ही फील हो रहा है क्या? एक्चुअली थोड़ी सी कह सकती हूँ, एक्चुअली यहाँ आई सुबह से 7 बजे से मैं आई हुई हूँ, क्योंकि मुझे वेट देना था, तो मुझे पता नहीं था ये कि सुबह से शाम तक आप एक्चुअली जिम जाते हो, आप तो खा पी के जाते हो, आप एकदम बूस्टअप होकर जाते हो, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आने के बाद एकदम से आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, लेकिन अपना पेस देना है, तो बस मैं पेस दिया अपना। दंगल का एक डायलॉग था, हमको हाँ। लगता है अगर आपको याद होगा तो आप एक बार बोल के बताइए, ताकि और भी जो यहाँ की रांची की लड़की है वो इंस्पायर होंगी। हाँ, दंगल की एक डायलॉग थी कि मारे छोरो छोरो छोरी से कम है के, सॉरी छोरी छोरों से कम है के, हाँ मारे छोरी छोरों से कम है के। तो ये एग्जांपल आप सेट कर रही हैं?
कोशिश यही है, रांची की छोरी जो है छोरों से कम है। एग्जैक्टली, हम तो अपना जान देंगे, अब आगे क्या होता है वो गॉड नोज। घर पे कौन कौन है आपके, कितने भाई बहन है, आप पापा क्या करते हैं? हम लोग चार बहन है और एक भाई है मेरा, लेकिन ये लोग पूरे कोसों दूर है ये सब फील्ड से, वो लोग को पता भी नहीं है और वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं रहते ये सब में। लेकिन मेरे को शुरू से ही पता था और शुरू से ही मेरे को इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा जिम में। अच्छा लगता था वर्कआउट करना क्योंकि उसमें मेरे को बूस्टअप लगता था, फ्रेशअप लगता था। तो बस वही से आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगी जिनके अंदर में है कि वो इस फील्ड में स्पोर्ट्स में हो, बेसिकली ये स्पोर्ट्स हो गया तो वो स्पोर्ट्स में आए, लेकिन वो होता है ना अंदर से आपने जैसे आज डिसाइड किया कि मुझे जाके आज खेलना है, तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी, उनको कैसे कन्विंस वो हो अपने आप से कि वो भी जो है अपने अंदर के डर को, सोसाइटी के डर को, घर वाले घर परिवार के डर को ओवरकम करके जो है वो भी आगे आए, फ्रंट पे आए और आप जैसी जो है वो बने। देखिए जैसे धीरे धीरे मैं आज आई, मैं अपना बेस्ट दी, रिजल्ट भी दी, तो मैं ये घर पे बताऊंगी कि हाँ आज मैंने रिजल्ट दिया, ऐसा किया, ऐसा कर रही थी, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने घर पे नहीं बोला था कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या संडे को मैं वेटलिफ्टिंग में आई हूँ, तो मैं बोलूँगी, उन्हें कन्विंस करूँगी कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है या कैपेबिलिटीज़ है। तो ये तो पता नहीं कि वो लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी। और एट दिस स्टेज एक होता है इंसान का अपना माइंडसेट होना चाहिए, कोई कुछ भी बोले, अगर आपका जो दिल करता है वो आप करो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसका अगर डर से आप अभी सोच के मर जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो लोग कन्विंस हो या ना हो, मेरा जहाँ मन करेगा, जहाँ मेरे को बेस्ट देना है मैं दूंगी, 110% दूंगी। चलिए, तो ये अंजलि सिंह है जिन्होंने आज रांची के इस कंपटीशन में भाग लिया जिसका नाम है रांची डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग। और ये जो मिथक है भैया, इसको टूट रहा है, ये तोड़ रही हैं, कुकर की रहने वाली हैं। पहला ही अटेम्प्ट था इनका और पहले अटेम्प्ट इन्होंने जो है बढ़िया प्रदर्शन किया है और इनको जो है फर्स्ट प्राइज़ मिला। थोड़ा दिखाइए आपको क्या मिला। ये मेरी फर्स्ट प्राइज़ है जिसमें मैंने स्क्वाट मारा था 110 एंड बेंच प्रेस 50 एंड डेडलिफ्ट 110 kg। यस, 110 kg। यस, आपका वजन कितना है? लड़कियों से वजन नहीं पूछा जाता, लेकिन मेरी वेट 63 कैटेगरी थी। यस, मेरी 63 कैटेगरी में थी और 63 का वेट है आपका और आपने 110 उठाया। हाँ, 110 मेरी PR ज्यादा थी, लेकिन मेरी फर्स्ट टाइम थी और मैं इतनी मतलब मोटिवेटेड, उतनी कॉन्फिडेंट नहीं होंगी, कोई बात नहीं। हां, कॉन्फिडेंट, लेकिन आपने 110 उठाया पहले अटेम्प्ट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो देखिए अंजलि सिंह है, उम्मीद करते हैं कि इनका जो हौसला है वो आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के, अगर आज रांची डिस्ट्रिक्ट जो ये पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन हो रहा है अगर इनको यह मौका नहीं देता तो ये शायद ये इनके पावर लिफ्टिंग में अच्छा करने का ये पहला स्टेप हो और यहाँ से जो इनका दरवाज़ा खुल गया है। उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी जाएंगी और हो सकता है रांची को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे कई ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं। बस इनको चाहिए कि थोड़ा सा हौसला दे, घर वाले सपोर्ट करें, आप लोग सपोर्ट करें और ख़ास करके जो स्पोर्ट्स सेक्टर है हमारा वो जो है इन जैसों को रिकग्नाइज करे और इनको एक मंच दे। तो उम्मीद करते हैं अंजलि आप आगे भी खेलेंगी, आप फिर से एक बार इंटरव्यू करेंगे आपका हम। हाँ, एकदम इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ रहेगा, मैं तो अपना बेस्ट दूंगी। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। अंजलि सिंह जो है इनको अच्छा फर्स्ट प्राइज़ मिला है, प्राइज़ वो भी आप देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो है पावर लिफ्टिंग में इनका शौक है, पैशन है, ये इसको प्रोफेशनली जो है आगे ले जाना चाहती हैं। तमाम तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिएगा द फॉलो अप पे, मिलते रहेंगे, शुक्रिया। द फॉलो अप .in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।